हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 मई 2020 और 17 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो अभी आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये कार्यक्रम शुरू किसने किया है, तो इस कार्यक्रम को जो जनजाति मंत्रालय है इसने फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है जनजाति मंत्रालय की, तो जनजाति मंत्रालय की बात आती है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जनजाति मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा प्रेजेंट टाइम पे हमारे जनजाति मंत्री हैं और ये अभी AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। AAI का फुल फॉर्म क्या होती है, तो AAI की फुल फॉर्म होती है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या होती है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे एक और फुल फॉर्म आती है गोल की फुल फॉर्म क्या होती है, गोल की फुल फॉर्म होती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। क्या होती है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा। तो अभी तेलंगाना अपनी पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने का निर्देश देगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है तेलंगाना की, तो मैप में देखते हैं तेलंगाना, ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है, के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर तमिलसाई सौंदर राजन है। कौन है, तमिलसाई सौंदर राजन। और अभी तेलंगाना को तिलिया रुमाल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में आई कंपेरिसन के रिपोर्ट के अनुसार कौन 2026 तक दुनिया के पहले ट्रिलिनियर बन जाएंगे। तो अभी कॉन्फ्रेंसन की एक रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार 2026 तक जेफ बेजोस दुनिया के पहले ट्रिलिनियर बन जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जेफ बेजोस ये अमेजोन के फाउंडर हैं और अभी इनकी नेटवर्क $143 बिलियन है अभी इनकी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है जो आयुर्वेद के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो अभी उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है जो आयुर्वेद के माध्यम से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है अब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं, ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है, आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, तो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर का नाम बताइए जिन्होंने नैनो विज्ञान में अपने काम के लिए सरकार द्वारा युवा कैरियर पुरस्कार जीता है। तो अभी सौरभ लोधा ने नैनो विज्ञान में अपने काम के लिए सरकार द्वारा युवा कैरियर पुरस्कार जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए AIIB के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए AAIB के साथ $145 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं केंद्र सरकार और
AIIB के बीच। और बात आती है यहाँ पे AIIB, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या होती है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर चीन के बीजिंग में है। कहाँ है? चीन की कैपिटल बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड जीन क्लिंटन है। कौन है? जीन क्लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? तो अभी सिक्किम ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया, यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है? सिक्किम, सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना था। तो बात आती है सिक्किम की, तो सिक्किम को मैप में देखते हैं। ये है मैप में सिक्किम, ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सिक्किम के प्रेजेंट टाइम पे सीएम प्रेम सिंह तमंग है। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? तो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है डे ऑफ लाइट? एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 16 मई 1960 को लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, और इसी के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और 16 मई को ही एक और डे मनाया जाता है, तो 16 मई को डेंगू डे मनाया जाता है। कौन सा डे? डेंगू दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करेगी? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इस योजना में पर एकड़ 10,000 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। अब बात आती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, तो छत्तीसगढ़ मैप में देखते हैं। यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल है, और छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 2000 को। अब छत्तीसगढ़ में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, उदांती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायमर भाषा बांध एक कंक्रीट से भरा गुरुत्वाकर्षण बांध निर्माण के प्रथम चरण में है, यह बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बांध सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वर्ष 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है महाराष्ट्र की, तो मैप में देखते हैं महाराष्ट्र। ये है मैप में महाराष्ट्र, जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में सभी नागरिकों को मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है, और कोविड मदद के नाम से एक हेल्पलाइन भी शुरू किया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। कौन? उनका नाम क्या है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त बने हैं। कौन बने हैं? दीपांकर दत्त। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ये पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र में होगा, लेकिन महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार
फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बना है? तो अभी तेलंगाना फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है विनियमित, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब अब राज्य सरकार बताएगी कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाएगी, और इसका उद्देश्य किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने का है। अब बात आती है यहाँ पे तेलंगाना की, तो मैप में देखते हैं तेलंगाना, तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, और तेलंगाना के गवर्नर तमिल साई सौंदर्य राजन है। कौन है? तमिल साई सौंदर्य राजन। और तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।